हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सारिका स्वाद किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से गोभी की नए स्टाइल की सब्जी जो आपने पहले कभी ना खाई। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने लिया है गोभी, और ये एक मीडियम साइज़ की गोभी है। आप बड़ी छोटी अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको कितने लोगों के हिसाब से चाहिए। और उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे, और अच्छे से इसे कट करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से। और जब ये कट हो जाए तो हम इसमें 1 चम्मच भर के करीब नमक ऐड करेंगे कि जो भी कीड़े वगैरह हो उसमें तो निकल जाए। और उसमें पानी डाल देंगे और आधे घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे इसी तरीके से। अब ये देखिए आधे घंटे के बाद मैंने अच्छे से इसे साफ़ कर लिया है, और 2 से 3 पानी में। अब हम इसे एक पैन ले लेंगे और उसमें 1 चम्मच करीब तेल लेकर गरम कर लेंगे, और इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। हमें इसे ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है, बट हमें इसे शैलो फ्राई कर लेंगे। और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। ये देखिए इस स्टेज तक हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। और इसी तरीके से हम आलू को भी, ये 2 आलू मीडियम साइज़ के हैं, इन्हें भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे इस स्टेज तक। और इसे भी हम फ्राई करके अलग निकाल लेंगे। ये देखिए अब जो कढ़ाई में तेल बचा है उसी तेल में छबीला और तेज़पत्ता, दालचीनी और 1 कंटफूल डालकर इनको अच्छे से गर्म कर लेंगे। और जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें हम 1 बड़ी मीडियम साइज़ की प्याज डालेंगे, और इसे भी हम अच्छा सा सुनहरा होने तक पका लेंगे। ये देखिए गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे, और जब ये अच्छे से हो जाए इस स्टेज तक तब 1 चम्मच करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और 1 मिनट तक के लिए इसे भी अच्छे से हम भून लेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। ये देखिए, और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे कि जिससे ये नीचे ना लगे। जब इस स्टेज तक पक जाए तब इसमें मसाले ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर और उसके साथ साथ लाल मिर्ची पाउडर, और उसके बाद 1 चम्मच धनिया पाउडर। और 1-2 मिनट के लिए इसे भी अच्छे से हम भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। और जब ये अच्छे से भुन जाए, ये देखिए इस स्टेज तक, तब हम इसमें टमाटो की प्यूरी डालेंगे। ये 3 टमाटो की प्यूरी है, और अब इसे हम अच्छे से चला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। और इसमें 1 चम्मच करीब नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और इसे भी हम अच्छे से पका लेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। और मीडियम आंच पे हम कम से कम ढक कर इसे 6 से 7 मिनट तक के लिए पका लेंगे। अब ये देखिए 6 से 7 मिनट के बाद टमाटर मसाले अच्छे से पक चुके हैं, इसने तेल छोड़ दिया है। अब इस स्टेज पर अब हम इसमें ऐड करेंगे जो फ्राई किया आलू और गोभी है, और अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, और गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे। स्लो फ्लेम में हमें इसे 1 से 2 मिनट तक ही हमें पकाना है। ये देखिए 1 से 2 मिनट के बाद ये अच्छे से भुंज गया है, मसाले में मिक्स हो गया है सारी चीज़ें। ये देखिए आलू भी अच्छे से 60% तक गल चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा वेज गरम मसाला डालेंगे 1 चम्मच करीब, और इसे भी हम चला लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, पानी कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि आपको कितना थिन चाहिए या थिक चाहिए। तो 10 मिनट हम पानी डाल के इसे ढककर पका लेंगे। और ये देखिए 10 मिनट बाद हमारी गोभी की सब्जी अच्छे से पक चुकी है, अच्छे से गल चुकी है ये देखिए। और ग्रेवी भी अच्छे से थिक हो चुकी है जैसा मुझे चाहिए था, आलू भी अच्छे से कट रहा है। तो हमारी गोभी की सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, और धनिया की हरी पत्तियों के साथ इसे सर्व करेंगे। ये देखिए बिल्कुल है ना इजी और टेस्टी, देखने से ये बिल्कुल टेस्टी और यम्मी लग रही है। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। ये देखिए हमारी गोभी की बिल्कुल इजी और सिंपल रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसे आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, जिसके साथ आपको मन है उसके साथ खाइए। आप भी खाइए, आप भी बनाइए, और कमेंट्स करके मुझे बताइए कि रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।